हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बेसिकली अब क्योंकि तो एग्जाम का बहुत कम समय है प्रीलिम्स के लिए, और सी साइड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डेली, अगर 5 मैसेज पढ़ रहे हो आप और 10 से 15 क्वेश्चन यदि पीवाईक्यू के प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए सफिशियंट है। यदि आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो उससे आपका काम चल जाएगा। सभी तरीके के क्वेश्चन हम पेपर पीवाईक्यू के हिसाब से करेंगे, जिसमें 2023 का पेपर जो काफी टफ माना गया पहले उसी को सॉल्व करते हैं। उसके हमने कंप्रेहेंशन के सॉल्व ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है ना। कंप्रेहेंशन के कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो हमारे यूट्यूब पे जाकर के, आप उसके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। सी सेट के बाद सारे डिटेल्स पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी करवाए गए हैं, लेकिन इसमें 23 से हम दोबारा करवाते हैं उनको भी आपको देखना है। तो प्लीज आपको पीवाईक्यू के कंप्रेहेंशन की भी एक पीडीएफ है, वो भी हम शेयर कर देंगे स्कैन करके। उसमें डेली 5 10 5 10 पीवाईक्यू कर मतलब पैसेज की करते जाइए। और ये पेपर आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, इसमें से आप अपने जो क्वेश्चन हम करवाएंगे उनको हम करवाने के साथ साथ एक बार खुद भी करके देखिए, उनको खुद भी लॉजिक लगा के देखिए और उनकी प्रैक्टिस कर दीजिए किस तरीके का आएगा, मुझे क्या सोचना है। क्योंकि क्वेश्चन सेम तो आएगा नहीं, क्वेश्चन का हो सकता है संख्या बदल जाए, पैटर्न बदल जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें उससे मिलती जुलती आएंगी, जिससे कि आप आसानी से इस सी सेट के पेपर को पास कर सकते हैं। ज्यादा समय देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा 5 पैसेज और 15 अगर मैथ रीजनिंग के सवाल डेली कर रहे हो तो सफिशियंट है आपके 29 डेज के लिए। इससे आपका काम अच्छे तरीके से चल जाएगा, लेकिन बहुत धैर्य से करना है। ऐसा नहीं कंप्रेहेंशन बहुत जल्दीबाजी में कर दिए, बहुत धैर्य से लॉजिकल के साथ उनको, जितना ज्यादा आप कंप्रेहेंशन की रीडिंग करोगे वो आपके लिए हेल्प करेगा। जीएस पेपर फर्स्ट को पढ़ने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा, कंप्रेहेंशन को पढ़ने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा, वो आपकी रीडिंग की स्पीड उसको बढ़ाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, जो निश्चित रूप से आपके GS 1 में भी बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसी चीज में हम सबसे पहले GS 2 CSAT का जो पेपर सबसे टफ माना जाता था रियली में, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर देखा जाए और एग्जाम हॉल के आधार पर देखा जाए, एग्जाम हॉल में जो आपको प्रेशर था, और उससे पहले जो GS 1 का जो पेपर आया, इसका GS का जो पेपर आया प्रीलिम्स के अंतर्गत, उस पेपर के पैटर्न को देखते हुए और उसके बाद उसको अटेंड करने के बाद जब व्यक्ति या कैंडिडेट जब GS 2 के पेपर में बैठा और अचानक से वहां पर भी एकदम पैटर्न अलग तरीके से पेपर थोड़े टफ टाइप के दे दिए, तो निश्चित रूप से ये टफ था। और यही कारण है कि कट ऑफ भी प्रीलिम्स की आपने देखा होगा बहुत कम गई है, यूपीएससी के मुझे लगता है सबसे ज्यादा कम इसी साल गई है यूपीएससी के उसमें। तो इसी आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। 2023 का पेपर मैंने इसमें लिया और 2023 के इस पेपर के अंतर्गत हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर चुके हैं। बहुत देरी से कमी क्वेश्चन करेंगे, 10 से 15 जो भी हो पाएंगे हमसे उनको करेंगे, और आसानी से फिर उसी आधार पर इस तरीके के क्वेश्चन यदि आए तो आप उसी तरीके के 2 5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो पहला, सबसे पहले अगर हम फोर्थ नंबर का देखते हैं तो दोस्तों फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को अगर मैं देखूं आपको, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने लगातार 3 साल से पूछे। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई अगर कई बार जूतों के हिसाब से आ जाएगा, कई बार रैंडमली पूछा जाएगा आपसे, एक पेन मान लो 10 पेन है, 8 पेन है और 9 पेन है, तो ऐसा क्या उठाया जाए कि मैं वो सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से उठा दे। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या कहता है कि राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े रेड जूते हैं, तो रेड कितने हैं 10 जोड़े, 10 पेयर, सिंपल सर। उसके बाद 9 जोड़े उसके व्हाइट है, व्हाइट कितने हैं 9 पेयर। ध्यान रखना जूते का मतलब पेयर में होते हैं जूते, सिंगल नहीं होंगे, वो ऐसे नहीं बोला उसने जूते। उसके बाद जोड़े में बोला उसने, हर चीज जोड़े में बोली है। और 8 जोड़े काले हैं तो ब्लैक में कितने उसके 8। यदि वह पहन मतलब उसके पास अलग अलग एक डिब्बे में, मतलब ये डिब्बा पूरा इसमें ये रखे हुए हैं 10 ये और 9 पेयर उसके और 8 पेयर उसके, ये जूते डब्बे में रखे हुए, 8 डब्बे में रखे हुए। यदि वह पहने तो एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए, अब उसको ना एक जोड़ा लाल जूता लेना है, लेने के लिए डिब्बे में यादृच्छिक रूप से एक एक करके बिना उसे वापस किए, एक बार उसे निकाल दिया उस डिब्बे में से, उसको वापस नहीं करेगा, जूते निकालता है, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे कि वो लाल जूता निकाल दे, एक पेयर का, एक पेयर रेड जूता निकाल दे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं आपको, हो सकता है आप जूते की बात कर दी, कई जगह हो सकता है एक जगह 9 पेन है रेड और ब्लैक पेन व्हाइट पेन मतलब ब्लैक पेन है उसके मान लो 8, उसी के पास अगर मतलब ब्लू पेन है उसके पास 7, तो इसी तरह क्वेश्चन वहां बन जाएगा, इसी तरह किसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार से, है ना, कि आपको निकालना पड़े। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कोई बॉक्स है उस बॉक्स में जो ये पेयर है ब्लैक के व्हाइट के और रेड शूज के, वो उस बॉक्स में पड़े हुए,
अब आपको रेंडमली बिना देखे याद देख, मतलब बिना देखे मतलब रेंडमली निकालना। अब ध्यान रखना, हम सबसे रॉस्ट कंडीशन मान के चलते हैं कि सबसे रॉस्ट कंडीशन उसको निकालने रेड, लेकिन मान लो उसने सबसे पहले हाथ डाला और हाथ डाल के उसने 8 बार हाथ डाला, 8 मतलब 16 जूते उसने किसके निकाले, किसके, ब्लैक ही ब्लैक ना, एक बार डाला फिर ब्लैक, दूसरी बार डाला फिर ब्लैक, तीसरी बार डाला फिर ब्लैक, चौथी बार डाला ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, सबसे खराब कंडीशन में सबसे पहले ब्लैक ब्लैक ही निकल आया उसके हाथ से, वो रेड नहीं आया उसके हाथ में। तो ब्लैक के कितने हो जाएंगे टोटल अटेम्प्ट, 16, क्योंकि 8 जूते 8 पेयर में, 16 सूझे, एक हाथ डाला ब्लैक निकला, फिर दूसरी बार डाला फिर ब्लैक निकला, ऐसे करके उसके 16 बार हाथ डाले, तब जाके इसको उसकी किस्मत खराब लेकर चलते हैं बिल्कुल, कि उसके 16 के 16 ब्लैक निकल गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा वो हाथ डालता है, लेकिन दोबारे हाथ डालते उसकी किस्मत फिर खराब होती है, दोबारा लगातार हाथ डालता है 18 बार, क्योंकि लगातार हाथ डालने के बाद उसके व्हाइट ही व्हाइट निकल के आते, लेकिन रेड नहीं है। हम सबसे खराब मान के चलते हैं कि मान लो पहले उसके ब्लैक ब्लैक ही निकल के आए, फिर उसके व्हाइट व्हाइट ही निकल के आए, तो व्हाइट के टोटल सूज कितने हैं, टोटल सूज, टोटल, क्योंकि एक बार में एक सूज निकालता है, पेयर नहीं निकालता, एक बार में एक सूज निकालता है, एक सूज निकाला तो टोटल व्हाइट सूज निकालने के लिए उसको कितना लग जाएगा, 18 बार, उसको 18 बार प्रयास करने पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब डिब्बे में रेंडमली बचा क्या, रेड, तो अब जब भी वो हाथ डालेगा तो रेड ही निकलेगा, तो एक बार उसने हाथ डाला एक रेड निकल गया, पर दूसरी बार हाथ डाला एक रेड और निकल गया, क्योंकि जूते बनाने के लिए उसको 2 रेड निकालने, तो उसको टोटल कितने अटेम्प्ट मारने पड़े, 16 और 18 कितना होगा, 34, 1 और 2, 34 और 2, 36, योर आंसर इज 36। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगा। अब मान लो मैं अगर आपसे बोलूं ये वाला क्वेश्चन, इसी के आधार पर मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूँ। मान लो राज के पास एक डिब्बे में 10 क्या थे, 10 रेड पेन थे, रेड पेन कितने थे 10, व्हाइट पेन कितने थे उसके पास 9, और ब्लैक पेन उसके पास कितने थे 8, ये उसके, और उससे बोला गया कि उसको कितना प्रयास करना पड़ेगा कि वो एक रेड पेन निकाल के दे दे, या मान लो मैं अगर उसको रेड पेन छोड़ो वो ब्लैक पेन निकाल के दे दे, कितने प्रयास करने पड़ेंगे, कितनी बार उसको हाथ डालना पड़ेगा कि उसको एक ब्लैक पेन निकाल के दे दे। तो मैं सबसे पहले, राज ने डिब्बे में हाथ डाला, पहला हाथ डाला, उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसने सभी रेड ही निकाले, 10 अटेम्प्ट तो उसको रेड के निकालने के लिए लग गए। ध्यान रखना यह पेन है, इसलिए उसके पास नंबर ऑफ पेन कितने होंगे, 10 ही होंगे, पेयर नहीं है यहाँ पर, जोड़े नहीं है, पेन है, तो रेड निकालने के लिए उसको कितने अटेम्प्ट लग गए, 10, ये 10 अटेम्प्ट उसके वेस्ट हो गए। फिर व्हाइट किस्मत, और उसके बाद खराब किस्मत लेके चलेंगे उसको रेड, और दोबारा उसने हाथ डाला रेड के बाद, अब रेड तो सब डिब्बे से बाहर निकल के आ गए, अब डिब्बे में बचे व्हाइट और ब्लैक, अब दोबारा हाथ डालता है, दोबारा हाथ डालता है, अब उससे निकल के आते कौन, व्हाइट ही व्हाइट निकल गया, सगे सभी व्हाइट पेन निकल के आगे, मतलब मैं व्हाइट पेन मान के चला, व्हाइट पेन निकल गया, तो कितना हो गया उसको, 10 और 9, 19 अटेम्प्ट लगाने पड़े। अब उसको अगला अटेम्प्ट निकालना है, लेकिन अगला अटेम्प्ट डिब्बा में एक कितने पेन बचे हुए, 8 पेन, और वो भी ब्लैक ब्लैक, तो अब उसको ब्लैक पेन चाहिए था, तो जैसे ही वो 9 नेक्स्ट अटेम्प्ट मारेगा उसमें अपने आप ब्लैक निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसके पास ब्लैक ही बचा हुआ है, तो एक अटेम्प्ट और, तो 10 और 9 19 और 1 20, 20 अधिकतम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तब जाकर के उससे ब्लैक पेन निकल के। तो क्वेश्चन पेयर का हो ध्यान रखना, 2 का होगा, और वो निकाल क्या रहा है ये भी आपको देखना है, वो एक चीज ये भी देखना है, वो निकाल क्या रहा है, क्या चीज बाहर निकाल रहा है, ये भी आपको एक बार देख, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे, पक्का एक क्वेश्चन आएगा, तो यहां से सीख लीजिए, इसका यही मेथड है, कुल लॉजिकल सिंपल लॉजिक है बस, ठीक है। अगला आता है आगे 5वें नंबर का क्वेश्चन, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से करवा दिया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसको बहुत सारे तरीके होते हैं, एक लेंथी प्रोसेस होती है, एक छोटी प्रोसेस होती है, बस कैसे भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसको करते हैं। देखो इसमें क्या है कि केसेस पढ़ेंगे, जैसे ये क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन ना, इसने क्या कहा है, कोई बल्लेबाज केवल 1 रन लेता है, चौके मारता है, छक्के मारता है, ध्यान रखना ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे सिक्कों के आधार पर पूछा था, कि एक दुकानदार के पास आप जाते हो, ठीक है, और दुकानदार के पास जाकर के दुकानदार क्या करता है, देखो हमारा कंपनी का टारगेट ये है कि देखो आपको ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन करवा रहे, मेरा कहने मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे, बस एक मेथड पकड़ लो, हर क्वेश्चन में एक मेथड पकड़ना है आपको, देख क्वेश्चन ये तो घूम के आएगा नहीं, यही आएगा नहीं, बस मेथड सेम आएगा, हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो जाए, बट इसका पैटर्न और मेथड सेम आएंगे। अब देखो अगले नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएससी लगातार 15 में पूछा है, 18 में पूछा है, लेकिन वहां उसने सिक्कों के रूप में पूछा, मान लो इसको हम सिक्के ही मान लेते हैं एक तरह से, कि एक व्यक्ति को मान लो 25 रुपए देने किसी दुकानदार को,
और उसके पास 1 रुपये का सिक्का है, 4 रुपये का सिक्का है, 6 रुपये का सिक्का है, तो कितने अटेम्प्ट करेगा, कितने तरीके से वो उनको सिक्के दे सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें वही सिक्के के क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, किसमें नंबर नाम चेंज कर दिया, इसमें रनों के रूप में चेंज कर दिया। तो जो सिक्के वाले क्वेश्चन का मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही रन वाला होगा। तो सिंपल सा तरीका है, मान लो सबसे पहले बड़ी संख्या से लेके चलते हैं, आपके पास संख्या है 6, 4 और 1, मतलब छक्का है, चौका है और एक है, और आपको बनाने कितने टोटल। सबसे पहले हम बड़ी लेके चलते हैं, मान लो मैंने 6 को लेके चला, तो 6 में सबसे पहले बड़ा केस लेके चलूंगा, मैं 6 ले लूंगा, मैं ओनली 6 से ही काम चल जाएगा, मैं बताऊँ 6 लिया। अब 6 में मेरे पास कंडीशन ये है कि 6 का या तो 0 हो सकता है या मैक्सिमम 4 हो सकता है, एम आर राइट, क्योंकि 4 चौका 24, मैक्सिमम 25 रन है उसके, टोटल 25 रन है। तो छक्का यूज करूंगा अगर मैं, तो एक कंडीशन तो मेरा है कि छक्का बिल्कुल ही ना हो, वो चौके और 1 रन से रन बना ले, ठीक है ना, इस तरीके से। एक सिचुएशन है कि मैं 1 छक्का यूज करूं, एक सिचुएशन में 2 छक्के यूज करूं, तीसरा है कि मैं 3 सिक्स यूज करूं, और चौथा है मैं 4 सिक्स यूज करूं, मेरे पास 3 तरीका। मान लो एक कंडीशन, मैं इसको सबसे पहले, मेरे पास सिचुएशन ये है कि मैं 4 से 0 से लेकर के 4 तक 6 ले सकता हूं। अब एक कंडीशन मान लो मैंने 0 दी, अगर मैंने मान लो, सॉरी 4 से लेते हैं, मान लो मैंने सिचुएशन ली 4 की, मान लो मैंने 4 6 ले लिए, तो ऐसी स्थिति में मेरे पास कितने केस होंगे, जब मैंने 4 ये ले लिए तो मेरे पास कंडीशन में क्या होंगे, 4 चौका 24 बचा मेरे पास 1, 4 चौका 24 हो जाएंगे, मेरे पास बचा 1, इसमें मेरे पास कितने केस होंगे, 2। ऐसी स्थिति में मेरे पास केस कितना होगा, 1 तो होगा 6 चौका 24, तो 0 और 1 बचेगा मेरे पास उसके बाद, क्योंकि मैं छक्का यूज करूंगा, छक्का मतलब 4 6 चौका 24 हो जाएंगे, रन तो 24 बन जाएंगे, और रन बचे कितने, 1। अब 1 के लिए तो मेरे पास एक ही कंडीशन है, कौन सी, 1 कंडीशन, तो इसमें केस कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल 1 केस। एक बार देखते जाओ, मैं बताऊंगा। सबसे पहला बड़ा वाला लेना है, अब मान लो मैंने छक्के लिए 3, दूसरा केस लिए छक्के मतलब 6 लिए 3। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं मतलब 6 बड़ी बड़ी संख्या वाला क्रम को ले लूंगा, बड़ी बड़ी संख्या 6, तो छक्के को ले रहा हूँ, 6 को ले रहा हूँ मैं, देखो 6 को ले अगर, तो देखो 6 के आधार पर ले रहा हूँ, तो 6 की एक कंडीशन ये है कि मैं 4 6 लेता हूँ, तो मेरे पास केस कितना बनेगा, सिर्फ 1 केस, क्योंकि 6 चौका 24, 1 रन और जुड़ेगा, तो मतलब 1 1 केस बनेगा। अगर मान लो मैं दोस्तों 6 की जगह यहाँ ले रहा हूँ 3 6 ले रहा हूँ, तो 3 6 रन कितने बन जाएंगे दोस्तों मेरे, 18। 3 6 से मेरे रन कितने बन जाएंगे, 18। अब बचे मेरे पास 7 रन, तो 7 में 4 और 1 का कॉम्बिनेशन कैसे ले सकता हूँ, 4 का कॉम्बिनेशन कैसे लूंगा मैं, 4 का हो सकता है इसमें, 4 के हो सकते हैं कितने, 4 का या तो 0 हो सकता है, 6 का तो यूज कर लिया मैंने, 6 3 18, अब मेरे पास चौका और 1 रन बचा है। एक कंडीशन तो यह है कि मैं 4 का 0 भी कर लूँ, या मैं एक कंडीशन ये है कि मेरा 4 का 1 भी कर लूँ, ठीक है, सही बात है, 4 का 0 करूंगा तो सारे रन 1 1 रन बना के बनाऊंगा, 4 का मगर 1 करूंगा तो 4 एकम 4, बचे मेरे पास 3 रन, उन तीनों को मैं 1 1 से बना लूंगा, देखो 6 3 18, 18 रन तो ये बन गया। फिर मेरे पास 4 बचा 1 बचा, 4 के पास मेरे पास 2 केस है, या तो मैं 4 के 0 यूज कर लूंगा या 4 के मैं 1 यूज कर लूंगा, तो इसमें कितने केस हो जाएंगे, मेरे पास 2 केस हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कितने केस हो जाएंगे मेरे पास, 4, अगर मैं 4 का यूज करूंगा तो इसमें 2 केस हो जाएंगे। अगर मैं मान लो 6 का मैं 2 यूज करूँ, 6 का मैं कितना करूँ, 2 यूज करूँ, 6 का 2 यूज करूंगा, 6 दूनी 12, अब मेरे पास रन कितने बचे दोस्तों, 13, 13 रन है। अब 13 रन को मैं 4 से कैसे बना दूंगा, या तो 4 का मैं 0 यूज करूं, सही बात है नहीं, या 4 के मैं 3 चौके यूज करूं, 4 किया 12, मुझे 13 रन बनाने, 4 का मैं तो 0 यूज करूँ या 3, मतलब मेरे पास कितने विकल्प हो, 0 भी कर सकता हूँ, 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, ये विकल्प रहेंगे नहीं रहेंगे, तो कितने केस हो गए मेरे टोटल, 4 का, इसमें 4 केस बन गए, ठीक है। अगला देखो आप, देखते जाओ, अब मैं मान लो 6 का अगला, मैं मान लो 6 का मान लो मैंने 1 6 यूज किया, ठीक है, 6 का 1 यूज किया तो 6 रन बचे, रिमेनिंग रन कितने मेरे, 19, सही बात नहीं है। अब 19 में मैं 4 के 1 तो 0 भी यूज कर सकता हूँ, या तो मैं 0 यूज करूँ, मतलब टोटल 19 रन मैं किससे बनाऊंगा दोस्तों, एक एक दौड़ के, या मैं 1 भी यूज कर सकता हूँ, 4 का 1 भी यूज कर सकता हूँ, मतलब मैं चौका 1 यूज कर लिया, बाकी से कर, 4 का मैं 2 भी यूज करता हूँ, 4 दूनी 8, 4 का मैं 3 भी करता हूँ, 4 3 12, 4 का मैं 4 यूज करता हूँ, 4 चौका 16, तो मेरे पास कंडीशन कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हो जाएंगे मेरे पास, 5 केसेस जाएंगे, ठीक है।
अब एक बार मैंने बोला 6 का कंडीशन क्या होगी, 6 का मैं 4 भी यूज कर सकता हूँ, 3 भी, 2 भी, 1 भी और 0 भी। अब मान लो मैंने 6 का 0 यूज किया, मान लो छक्का यूज नहीं किया, तो मेरे पास टोटल कितने बचे, 25। अब 25 में मेरे 4 की कितनी कंडीशन होंगी, या तो 0 भी हो सकती है और 6 तक भी हो सकती है। तो 0 से 6 तक टोटल कितने हो जाएंगे, 7। तो कितने केस जाएंगे टोटल, 7 केसेस। अब जोड़ दो, सब पूछे उसने कि भाई कितने टोटल उसके होंगे, कितने जाएंगे, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19। योर आंसर इज 19। जब भी ऐसा आए आपको सबसे बड़ा पकड़ के काम चलाना है, ठीक है ना। आराम से इस क्वेश्चन को सिक्के में कन्वर्ट करो, किसी में कन्वर्ट करो, हमेशा आंसर का तरीका यही रहेगा। घबराना नहीं है, नहीं समझ में आया दोबारा से पूछता। मैंने क्या किया मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने इसमें एक चीज की है। देखो मुझे 25 रन बनाने हैं, 25 सिक्के देने, कोई तरीका नहीं, मतलब 25 रुपये रन बनाने, कुछ भी है। लेकिन मेरे पास क्या क्या है, 6 है, 4 है और 1, और मुझे करना कितना है, 25। सबसे पहले बड़े को लेकर चलूंगा, बड़े मैंने 6 ले लिया। 6 की कितनी कंडीशन हो सकती है, 6 की 0 भी हो सकती है, 1 भी यूज कर सकता हूँ, 2 भी यूज कर सकता हूँ, 3 भी और 4, मैक्सिमम इतना ही कर सकता हूँ। क्योंकि तो अगर मैं 6 से 0 यूज करूंगा, मुझे सारे रन किससे बनाने पड़ेंगे, 4 और 1 से। अगर 6 में 1 यूज करूंगा तो मुझे 6 रन के अलावा 18 किससे बनाने पड़ेंगे। तो मान लो मैंने सबसे पहले 6 यूज किया, 0, 6 यूज किया 0। अब मैं 4 के कितने यूज करूंगा, मेरे पास टोटल 25 रन मुझे बनाने, 4 से और 1 से। तो 4 की कंडीशन यह है कि 0 भी यूज कर सकता हूँ, 6 तक भी यूज कर सकता हूँ। 24 रन बनाने के लिए मुझे 4 के कितने यूज कर सकता हूँ, 4 का 6 0 भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि तो अगर मैं 0 करूंगा बाकी सभी रन एक एक करके बनाऊंगा। तो ये केस कितने हो जाएंगे टोटल, 0 से लेकर 6 तक कितने हो जाएंगे टोटल, करें 7। इसका करूंगा मैं, अगर मान लो 1 6 यूज कर लिया, बचे कितने टोटल, 19। 19 में 4 के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 का 0 भी हो सकता है, 4 तक भी हो सकता है, 400 का 16, इसलिए तो कितना हो जाएंगे, 5। 2 का यूज करूंगा, अगर ये 12 हो जाएंगे, बचेंगे कितने, 13। अगर मैं 6 का 2 बार यूज कर लूंगा, 6 तो 6 दूनी 12, 2 छक्के यूज कर लिए, बचे कितने रन मेरे, 13। अब 13 रन करने के लिए मैं 4 का 3 बार यूज कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम 4 के 0 भी यूज हो सकता है, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है। तो कितने हो जाएंगे टोटल चीज, 4 0 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद मैं 6 का 3 यूज किया, 6 में 3 यूज किया, तो 6 6 18, बचे मेरे पास 7 रन। 7 में 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, केस हो गए 2। और अगर मैंने 6 4 यूज कर लिए तो 1 केस, ठीक है, 6 6 24, 1 केस बचेगा। तो 5 और 4 9, और 9 और 3 12 7 19, टोटल 19 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, घबराना नहीं है, बस करते जाइए, होता जाएगा। पढ़ो एक बार, और इस तरह के क्वेश्चन इस बार हम करके जाएंगे ना, तो अगली बार हमें जो 2024 का पेपर है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम माइंड सेट बना के जाएंगे और ये माइंड सेट ही हमें सॉल्व करवाएगा क्वेश्चन को। जैसे 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन देखें, 4 पत्र और 4 लिफाफे हैं, मतलब लिफाफे 4 है, और ठीक ठीक एक पत्र को एक ठीक ठीक एक पत्र को सही पते वाले ठीक ठीक एक लिफाफे में डालो, ठीक है। यदि पत्रों का लिफाफा में यादृच्छिक रूप में डाला जाता है, मतलब वो यादृच्छिक का मतलब होता है आप रैंडमली उठा के डालो, ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए, ठीक है, और ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें केवल 2 पत्र सही लिफाफे में जाए। ये क्वेश्चन है, अब आपको देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना, सही करना है इसमें। देखो पहला आपने इसमें क्या है भाई, आप मेरे पास ये 4 पत्र है, 1 2 3 और 4, और ये लिफाफे हैं, 1 2 3 और 4। अब देखो एक लिफाफे में एक ही जाएगा, एक लिखावे में एक ही जाएगा, एक लिखावे में एक ही जाएगा पत्र, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र ही गलत लिफाफे में जाए। अब आप सोचिए, अगर 4 पत्र है और 4 ही लिफाफे हैं, तो अगर मान लो ये कह रहा है एक गलत में जाए, तो अगर मान लो सिस्टम सुनो, अगर 3 सही में गए, ये सही में गया, ये सही में गया, ये सही में गया, तो चौथा ऑटोमेटिकली सही में ही जाएगा, गलत में क्यों जाएगा। अगर मान लो लिफाफे 5 होते तब संभावना बन सकती थी, लेकिन लिफाफे 4 ही है इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि जब 3 आप ऑटोमेटिकली सही जाएंगे तो चौथा भी ऑटोमेटिकली आपके सही लिफाफे में ही जाएगा। भाई इस लेटर को इसने सही लिफाफे में डाला, इस लेटर को सही लिफाफे में डाला, इस लेटर को सही लिफाफे में डाला, अब बचा एक लेटर एक लिफाफा, ऑटोमेटिकली सही बताया कि वो भी सही होगा, क्योंकि उसने कहा है कि चारों सही पते पे हैं, चारों लेटर, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, गलत नहीं बल्कि सही है। दूसरा, अब आपके 6 है, 6 तरीके, तो देखो ये कह रहा है कि टोटल आपके पेयर कितने हैं, 4, और सेलेक्ट कितने करने हैं, 2, तो क्या 6 तरीके बनते नहीं बनते, ये हमें कॉम्बिनेशन निकालना है, वाले करना है इसे कॉम्बिनेशन निकालता है, तो 4C2 ये कॉम्बिनेशन निकालना है, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई
एन माइनस आर का फैक्टर, तो कितना हो जाएगा, चार का फैक्टर 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 4, कितना होगा, ये वही मैंने सिखाया फॉर्मूला आपको, कॉम्बिनेशन वाला 4 CR, एन माइनस आर, एन माइनस दो, टू का फैक्टर, दो का फैक्टर ये कट गया तो कितना हो जाएगा आपका, और एक हो गया ये कितना आर, यहाँ आर हो जाएगा ना, एन माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो मतलब अगर पियर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वही फॉर्मूला है तो जो मैं आपको 4 CR लिखा रहा है, आपको 4 CR को मैंने बताया था आपको फैक्टर, 4 CR का कॉम्बिनेशन लगा लेना और कॉम्बिनेशन का फैक्टर लगा देना, आप लगाओगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा आपका 6, तो सही बात है, 4 में से अगर 2 सही तरीके से सेलेक्ट करता हूँ, इसलिए आंसर होगा 6, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट होगा 6 सही, स्टेटमेंट भी कुछ नहीं, वही घूम फिर के स्टेटमेंट आएंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं बना पाएगी। 7वें नंबर का क्वेश्चन, 85, 87, 89, 91, 95, 96 को अगर 100 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, भाई देख लो 85, आपको पता है अगर किसी चीज का पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल 0 बचता है, ये तो आप सभी जानते हैं, तो देख लो 85, एक हमेशा माइंड सेट हमेशा रखना कि यूपीएससी कोई उनको लॉजिक देता है, आपसे बड़ी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, यहाँ क्वेश्चन में कैलकुलेशन करवाना उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो नहीं चाहेगा कि आप कैलकुलेशन करें, वो चाहता है कि आप कोई लॉजिक लगाए, तो मान लो 85, 87, 89, 95, 85, एक मिनट, 91 के बाद कितना आ गया, 95 और 96, इसको 100 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा, तो आपको भाग लो पहले 5 से काट लो इसको, ये 19 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, फिर 5 से काट लो ये 19 बार, सॉरी ये 17 बार कटेगा, ये 19 बार कट गया, ये कितना बढ़ गया 4 बार, 4 से काट लो 24 पूरा, अर्थात 100 का ऐसे पूरा पूरा भाग जा रहा, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो डेफिनेटली है कि शेषफल आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। इकाई का अंक पूछा है, इकाई के अंक में नंबर सिस्टम ने हमने आपको एक मेथड पढ़ाया, इकाई का अंक अगर आपको निकालना है तो दी गई घात को सबसे पहले 4 से भाग देकर के उसका शेषफल निकालते हैं, और सबसे पहले तो कोई भी संख्या दी गई है, मान लो संख्या दी गई है इसमें 5, 7, 2, 4, 2, इसकी पावर घात कितनी है 9 × 7 × 5 × 3, ठीक है, अब मुझे इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक इससे प्रभावित होगा, इससे इससे, ठीक है, किससे प्रभावित होगा, इससे प्रभावित, इस संख्या से मैं कोई लेना नहीं, क्योंकि जो 2 का स्क्वायर क्यूब घन जो भी संख्या होगी वो इकाई का अंक होगी बस, तो इस संख्या का हमें कोई काम नहीं, मैं डायरेक्ट 2 ले लूंगा बस, इसमें से इकाई का अंक निकाल के 2 ले लिया, अब इसको देखो कितना है, इसको गुणा कर लो 9, 7, 63 × 15, 15 45 को 4 को 5 को 6 से लगे 4, 5 से 945, ये कितना हो जाएगा 945, तो 2 की पावर 945 से ही मैं कर लूंगा, मैंने क्या बोला कि अगर ऐसे हमें आपको है पावर में सबसे पहले 4 का भाग दीजिए, जितना शेषफल में बचता है उतनी घात लगा दीजिए, 4 का भाग दिया मैंने इसमें, कितनी बचेगा 10, 44, 1 बचेगा, 2 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना, इकाई का अंक क्या हो गया आपका 2, इतना घबराना नहीं है, जो संख्या अमान ऐसे दी गई 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 की घात, इतनी इतनी बड़ी संख्या दे दी, कुछ नहीं, आपको यहाँ इकाई का अंक लेना है और ऊपर घात में 4 का भाग देकर के उसकी घात निकाल लेनी है, उसका शेषफल निकालना है, शेषफल अगर 1 बचा है तो घात मानेंगे 1, 2 बचा है घात मानेंगे 2, 3 बचा है 3 मानेंगे, और 4 0 बचा है तो 4, ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल था ये क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं था, ये दोनों क्वेश्चन इजी थे। 9वें नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं था अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन क्वेश्चन उस एग्जाम हॉल में टफ लगा, जब हम एग्जाम दे रहे थे सी सेट का, तो तब उस समय एकदम ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने पहले नहीं कर रखा है उस समय अचानक से आपको क्या लगेगा, टफ लगेगा। देखो ये क्या कह रहा है, यदि ए बी सी डी ई एफ, ये एक संख्या है एक संख्या है, दोनों ही 3 अंकों की संख्या है, सही बात है, ए बी सी डी ई एफ, ये जो अंक है अलग अलग है, एक तो अलग अलग है ध्यान रखना, सेम नहीं है, और दूसरी बात 0 से बड़े अर्थात 0 नहीं है, ठीक है, दो चीज समझ में आई, ए बी और सी, और एक है डी ई और, ठीक है, ये क्या है इसमें ए बी सी डी ई एफ है, ये क्या है अंक है लेकिन 0 से बड़े हैं, और सभी सम ए इनमें से कोई भी समान नहीं है, ऐसा नहीं है कि ए भी एक हो जाए डी भी एक हो जाए, ऐसा नहीं है, अलग अलग है, भिन्नतर का मतलब अलग अलग है, भिन्न शून्यतर का मतलब शून्य से बड़े हैं और अलग अलग है, इट्स ओके। अगला, अगर इनको जोड़ा जाए, जोड़ने पर आता है 11 और 11, अगर इनको जोड़ा जाए तो 1111 आता है, तो फिर पूछा गया कि ए बी सी डी ई एफ का मान क्या होगा,
तो सबसे बड़ी बात है, देखो आपको मानने के स्टेज को एक से लेकर के नौ तक मानेंगे, अंक तो एक से लेकर नौ तक होगा, जीरो तो लेंगे नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये पक्का है कि एक अंक दूसरे के साथ रिपीट नहीं करे, ठीक है। अब यहां आपको 11 आ रहा है, लास्ट में एक आ रहा है। एक कब आता है? जब दो अंकों को जोड़ने पर 11 आए तब। तो मैं सी और एफ की जगह ऐसे अंक मानूंगा जो योगफल करने पर 11 बन जाएगा। योगफल बनने पर क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। अब फोर एक्स देखो, मान लो मैंने मान लिया इसका 4 मान लिया, अगर मैंने इसका 4 मान लिया, इसका 7 हो जाएगा, 7 और 4 11, हासिल बच गई 1। तो 1 तो ऑलरेडी है ही है। अब बी और ई का योग मुझे 10 करना है, क्योंकि 10 में 1 जोड़ूंगा तब 11 आएगा नीचे। तो बी और नहीं, 5 5 नहीं मान सकते क्योंकि अलग अलग अंक मानने हैं, ये बात मुझे ध्यान रखना। तो मान लो मैंने बी की जगह, एक मिनट, बी की जगह मैंने 4 माना, तो 4 नहीं मान सकता क्योंकि 4 ऑलरेडी मैंने मान सका है, ठीक है ना। 7 मैंने ऑलरेडी मान सका है। मान लो मैंने 8, इसकी जगह 8 माना और इसकी जगह 2 माना, ठीक है, बी और जी के, तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, और एक हासिल 1 1, ये हो गया। अब ए और डी की जगह और मानना है मुझे, ठीक है ना, ए और डी की जगह मुझे और मानना है, सात और 4 हो गया इसका, तो 8 और 2 हो गया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों की जगह क्या मानूं जिससे कि हमारा ये हो जाए, क्या इन दोनों की जगह अगर मैं देखूं, मान लो 1 मान लू और 9 मान लू, हो जाएगा 1 और 9 10, और 1 हासिल बच गई 11। 11 अब जोड़ो इनको, तो मैंने कितना माना, ए की जगह 1, डी की जगह 9, बी की जगह 8, ई की जगह कितना माना मैंने 2, सी की जगह 4, या की जगह 7, कितना हो रहा है 10 और 10 20 और 11, 20 और 11 कितना थे 31। तो योग कितना हो रहा है, कुछ भी मान लो अगर सेट करोगे, कुछ ही मान लो, एक और सी डी कुछ ही मान लो, इनका योग हमेशा कितना आएगा 31। लेकिन आपको सेट करना है, ध्यान रखना, मैंने रिपीट नहीं किया कुछ भी, आपको सिंपल इसमें से चूज करना है और योग करना है 11 करके ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मान के मुझे ये काम क्वेश्चन करना, कुछ ज्यादा लॉजिकल नहीं, बस आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस करके यही चीजें आती है, ऐसे नहीं है। 10वें नंबर क्वेश्चन है, देखो आराम से सुनो क्वेश्चन। डी कोई 3 अंकों की संख्या है, डी एक संख्या है जो 3 अंकों की, मान लो 3 अंकों की संख्या एक्स वाई और जेड, ये एक संख्या है, और इस संख्या को इसके अंकों के योगफल के अनुपात से, मतलब इस संख्या के अंकों के योग कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अनुपात इनका अनुपात लघुत्तम है, मतलब अनुपात लघुत्तम, मतलब लघुत्तम कब आएगा, आपको पता है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का इस एक्स वाई जेड संख्या में भाग देंगे मान लो, तो कब आएगा लघुत्तम, जब ये संख्या बड़ी हो और ये छोटी हो, आप सभी जानते हैं ना। जैसे अगर मैं बोलूँ 16, मैं अगर मैं 4 का भाग दूं तो मेरा कितना आएगा अनुपात 4, अगर मैं बोलूँ 16 में 8 का भाग दूं कितना आ जाएगा 2 का, अगर मैं बोलूँ 16 में 16 का दूं कितना 1 का, अर्थात नीचे वाली जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही अनुपात छोटा आएगा। हमें कितना चाहिए, छोटा चाहिए, मैक्सिमम छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, मैक्सिमम। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आपसे पूछे मैक्सिमम बड़ा बताइए, ठीक है। इसके बाद पूछा है कि डी के सैकड़े अंक, मतलब सैकड़ा पे ये है और इकाई अंक इकाई पे ये, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, अंकों के बीच में अंतर, तो एक अब मानना पड़ेगा हमें। देखो मान लो, देखो मैं इसको एक्स की जगह सबसे छोटा कम मानूंगा, देखो 3 अंकों की संख्या माने इसलिए एक्स को मैं 0 तो नहीं मान सकता क्योंकि 0 मानते 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो मैं इसको मान लूंगा ए, इसको मुझे ऊपर वाली संख्या को मैक्सिमम छोटा मानना है और नीचे वाली को मैक्सिमम बड़ा मानना है। तो देखो एक्स की जगह मान लो मैंने 1 मान ली, ठीक है, बाई की जगह मान लो मैंने कुछ भी मान लिया, बाई की जगह मान लो अगर मैं चाहता हूँ, बाई की जगह मैंने 8 मान लिया और जेड की जगह मान लो 9 मान, या मैक्सिमम छोटी तो यही होगी, क्योंकि मैं आप ये सोच रहा हूँ मैं इसको 111 भी मान सकता हूँ, लेकिन मुझे इसको मैक्सिमम बड़ी करना है, तो ये तो 3 हो जाएगी फिर, 1 प्लस 1 प्लस 3, तो मैं नीचे मैक्सिमम बड़ी मानूंगा लेकिन ऊपर मैक्सिमम छोटी मानूंगा, और अंक सब एक ही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर 1 मान लूंगा, इसको मान लो मैं इसको 0 मान सकता हूँ, मैं बाई को 0 मान सकता हूँ, लेकिन मैं बाई को 0 क्यों नहीं मानूं, क्योंकि यहाँ छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं बाई को बड़ा मान लेता हूँ। मान लो मैं बाई को मान लिया 8 या 9 मान लिया, जो भी मानना है 9 मान लो, 1 मान लिया 9 मान लिया, और जेड को भी मैं बड़ी मानूंगा क्योंकि मुझे यहाँ बढ़ाना है, इसलिए तो जेड को मैं 9 बड़ा कर लिया क्योंकि इससे मुझे ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 प्लस 9, 1, तो ये सिचुएशन है, देख सकते हो आप। अगर मैं करता क्या,
अगर मैं मान लो इसको 9 कर लेता, ऐसे कर लेता, तो ऊपर बड़ी संख्या हो जाती, नीचे अंकों का योग तो सेम ही आएगा, 9 और 9 18 19, तो 911 में 19 का भाग दूंगा जब बड़ा मान आएगा, या 199 में 19 का भाग दूंगा जब छोटा आएगा, तो छोटा इससे आएगा, इसलिए। तो मुझे कहने का मतलब है अंक मान है, तो इस पे मैंने 1 9 9 मान लिया, नीचे कितना होगा 1 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, तो कितना हो गया आपको, ये हो जाएगा। तो 199 में अगर मैं कितने भाग दूंगा 19 का, छोटा आएगा मैक्सिमम। अगर मैं एक सिचुएशन ये लेके चलूँ कि अगर मैं सिचुएशन मान लो इसको 0 मान लो और इसको 0 मान लो, ठीक है, अगर मान लो 2 से 19 का भाग दूंगा, लगभग लगभग 10 बार जाएगा, 10 बार समझ। अगर 109 है, 109 में, 109 में अगर मैं भाग दूँ तो इसका कितना, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 9, तो नीचे हो जाएगा 10, 109 में 10 का भाग दूँ 10.9। तो कुल मिलाकर के मुझे ये तो है कि मैं यहाँ चाहे 9 मानूँ चाहे 1 मानूँ, मैक्सिमम न्यूनतम मान तो आ जाएगा, लेकिन मुझे ये कंफर्म है कि इस पे 9 ही मानना पड़ेगा, इस पे 1 ही मानना पड़ेगा। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहा, मेरा सिचुएशन सिंपल सी। देखो यार इतना टफ नहीं है, देखो सबसे पहले आपको अनुपात में होना चाहिए, अनुपात में कोई संख्या ऊपर है, जितनी ज्यादा संख्या मान लो ये भाग दे रहे हैं इसका, तो जितनी ज्यादा ऊपर बड़ी होगी उतना ही बड़ा मान आएगा, ठीक है। अगर मैं मान लो इस अनुपात में ये जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही कम आएगा, अब मेरे पास संख्या है एक्स वाई और जेड, और नीचे मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड करना है, तो नीचे मुझे बार मान बढ़ाना है, तो नीचे बार बढ़ाने में कंडीशन तो एक हो सकती है, मैं 9 प्लस 9 प्लस 9 कर देता, लेकिन ऊपर बड़ी संख्या हो जाएगी, 999 हो जाएगी, 999 में 27 का भाग दूंगा, मान बढ़ा आएगा। एक कंडीशन में कि ऊपर 111 कर लूँ तो नीचे 3 हो जाएगी, इसमें मान बढ़ा आएगा, 37 आएगा, यहाँ भी मान बढ़ा आ रहा है, मुझे चाहिए सबसे छोटा मान, और सबसे छोटा मान के लिए मुझे नीचे संख्या बढ़ानी है, इसलिए इस सैकड़े वाले पे मैं रखूंगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या रखी मैंने एक्स की जगह 1, और इस पे रखूंगा मैं सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि इकाई के अंक पर रखी गई बड़ी संख्या का मान कम होता है, तो इस पे मैंने सबसे बड़ी रखी 9, ठीक है। अब इसमें कुछ भी रख लो चाहे, अब नीचे 1 प्लस, मान लो मैंने यहाँ 1 रखी, 1 प्लस 1 प्लस 9, तो नीचे कितना होगा 11, 119 में 11 का भाग दूंगा, न्यूनतम मान आ जाएगा, लेकिन मैं इसको और न्यूनतम करने के लिए मैं इसको 9 कर दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 9, तो 9 और 9 18 19, तो 199 में 19 का भाग दूंगा तो सबसे न्यूनतम मान है, सही बात है, तो कितना हो जाएगा। अब मुझे अगर पता लग गया कौन कौन सी संख्या रखनी है, अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच में अंतर कितना है, सैकड़े पर रखा मैंने 1, इकाई पर रखा मैंने 9, कितना अंतर है 8, तो मतलब लॉजिक है। देखो आप सभी जानते हो कि इकाई के अंक पे मैं अधिकतम मान रखूंगा, सैकड़े के अंक पे मैं छोटा मान रखूंगा, क्योंकि मुझे संख्या छोटी करनी है ऊपर वाली, क्योंकि उसने मान बोला लघुत्तम। अगर ये बोल उल्टा कर देता कि मान अधिकतम करना है, तो मैं इसको कैसे करूंगा दोस्तों, सिंपल है, मैं सैकड़े पर रखूंगा 9 और बाकी सबको कर दूंगा 0, ठीक है, इसको 9 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 100, अधिकतम मान 100 आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है, तो इसका योग आपस में कितना हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न से भी सोचो, यहाँ लघुत्तम पूछ हो सकता है, अगली बार आपसे अधिकतम पूछे, तो उस तरीके से आपको संख्या जमाना आना चाहिए, ठीक है। फोर्टी नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, देखो क्वेश्चन 14 15 दोनों एक जैसे, थोड़ा सा अंतर करना है और थोड़ा सा समझना है हमें, वो चीज हम जानते, देखो क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, 5 धन पूर्णांक है, पी क्यू आर एस टी, आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, इसी क्रम मतलब छोटे बड़े क्रम में, ऐसा नहीं कि पी छोटा है क्यू छोटा है आर एस एस, नहीं कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 3 संख्या आपको सम्माननीय है और 2 संख्या आपको विसम्मान। मान लो मैंने पी क्यू और आर इनको सम माना, पी को मान लिया मैंने 2, क्यू को मान लिया मैंने 4 और आर को मान लिया मैंने 6, इनको सम मान लिया, और 2 को विषम मानना है एस और टी, इसको मान लिया मान लिया 3, इसको मान लिया मैंने 5, ठीक है। अब मान रख के चेक करो, पी का मान कितना है 2 प्लस 4 प्लस 6, इसमें रखा ना मैंने 2 प्लस 4 प्लस 6, तो कितना होगा, माइनस एस का मान कितना है 3 और -5, तो ध्यान रखना निश्चित रूप से क्या करा है, निश्चित रूप से समाएगा, मतलब 100% समाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। 2 और 4 कितना होगा दोस्तों, क्योंकि आप सिंपल सी जानते हो विषम सम में से यदि अगर हम विषम घटाते हैं कितना हो जाएगा, देखो 6 और 4 10 और 10 2 12 और माइनस कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा आपका 4 समय, यानी कि सम के योग में से यदि
सम विषम घटाया जाए, देखो ये कितना हो जाएगा, -8 विषम, ये सम ही हो जाएगा, -8 हो जाएगा लेकिन सम ही हो जाएगा, सम ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, निश्चित रूप से सम आएगा, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब इसमें मान रख के चेक कर लो, 2 का रखा कितना 4, क्यू का कितना रखा मैंने 4, क्योंकि क्यू का ऑलरेडी 4 है ये, और आर का मान 6 दुनी 12, माइनस एस का मान कितना होगा 3 दुनी 6, और टी का मान कितना हो जाएगा, टी का मान कितना है मैंने 5 रखा है, तो +5, तो बटा उसको 4 और 4 8 12 20, 20 और 5 25, -6 बराबर 19, निश्चित रूप से विषम आएगी। तो आंसर से सी होना चाहिए, निश्चित रूप से विषम, ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना निश्चित रूप वाले पॉइंट की बात है इसमें। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा अगर डाउट बने तो बता देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक डाउट है कि ये कुछ स्टेटमेंट, एक कोई सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जब गलत भी हो सकता है। एक मिनट और चेंज करते हैं सिचुएशन को, ये एसी में, एसी में, क्योंकि ये डेफिनेटली वाली है, एक होता है हो सकता है, हो सकता है आप कोई भी एक कंडीशन में साबित कर दो, एक हो सकता है 100% हो सकता है, यानी हर कंडीशन में आपको सही साबित करना पड़ेगा। तो देखो पहला वाला तो हर कंडीशन सही होगा, क्योंकि ध्यान रखना विषम में से, सम के योग में से, सम का नकारात्मक और सम का सकारात्मक घटाने पर हमेशा सम ही आता है, तो इसमें हर परिस्थिति में सम ही आएगा, ये तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ गुणा भाग करवा रहा है, तो यहाँ कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि सम भी आ सकता है एक बार इसमें, हाँ, ए हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसमें एक बार इसमें थोड़ा चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर ये बोलता है यहाँ पर 100% कैलकुलेट करना है, तो मैंने इन मानों के आधार पर चेक करा तो सही है कि विषम आ रहा है, लेकिन ये मान चेंज कर दूं, मान लो मैं मान उल्टे कर दूं, मान लो इसको 5 कर दूं, एस का मान मान लो मैंने 5 कर दिया और टी का मान मान लो 3 कर दिया, अब करो सॉल्व, तो करो इसको 4 प्लस 4 प्लस 12 माइनस एस का मान कितना हो गया, मैं 3, एस का मान कितना कर दिया 5 दून 10, और माइनस मैंने 3 इसका कितना कर दिया, एस का मान में माइनस कितना कर दिया मैंने 5, तो 4 ए प्लस हो जाएगा, 4 4 8 और 12 20, 20 से 5 5, अभी भी कितना आ रहा है, यह मान से भी सम बन रहा है, और भी मान मान के चलते, चलो 1 और 3 कर लेते हैं। तो देखो देखो आपको पता है एस का, एस और टी का मान क्या मान सकता हूँ मैं, 1 3 5 7 और 9, इससे ज्यादा तो मैं मान नहीं पाऊंगा, एस और टी के मान में यही मान, अब मान लो मैंने ए मान लिया इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, ये तो 20 आएगा टोटल, इसको तो मैं मान लिया 20 आ गया, मान लो 20 आ गया, अब इसको देखें हम, एस का मान ने 1 मान लिया तो 2 हो गया -2, और इसका टी मान लिया 3 हो गया, अभी भी ऐसा मारा है, ठीक है। अगर मैं मान लो उल्टा कर दूं, इसको 3 कर दिया तो ये हो जाएगा 6, और इसको 1 कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस 6, अभी भी सम मारा है। तो मेरे विचार से तो इसमें कोई कंडीशन मुझे अभी आ नहीं रही, लेकिन एक कंडीशन इसमें सम की बनेगी, वो कंडीशन पता नहीं लगेगी, एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। तो इसे 100% आपको याद करना है, ये तो पहला तो 100% है कि माइनस सम और प्लस सम हमेशा सम ही आएंगे, ठीक है ना, ये वाला सम हो जाएगा, क्योंकि दो दो विषमों को जोड़ने पर सम हो जाता है, इसलिए पूरी ऊपर वाली कंडीशन तो हमेशा सम आएगी, 100% सम आएगी, इसलिए पहला स्टेटमेंट ऊपर वाला सही है। देखते थे दूसरे वाले की, दूसरे वाले में चूंकि ये जोड़ भाग की हुई है, यहाँ पर गुणा भाग हुआ है, इसलिए क्योंकि दिक्कत क्या है कि मैं यहाँ एस को विषम मानूंगा तो सम हो जाएगा, एस को मैं विषम मानूंगा, तो देखो 2p प्लस, अब मैं इसको और लॉजिकली बताता हूँ आपको ध्यान से सुनना, क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी, अब देखो अब आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, कोई कंडीशन बन पाएगी नहीं बनती, देखो ये सम होगा, ये भी सम होगा, ये भी सम होगा, तो टोटल इधर तो हो जाएगा दोस्तों सम, एम आई राइट, टोटल कितना हुआ है सम, अब मैं तरीका दूसरा बता रहा हूँ, ये हो जाएगा सम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस देखो ये आपका पता है एस में विषम मानूंगा, विषम को मैं 2 से गुणा करूंगा तो एस सम ही नहीं होगा, तो ये भी सम होगा, और फिर बचा कितना आपका टी, टी में हमेशा विषम ही मानूंगा, ठीक है, होगा विषम। तो दोस्तों ध्यान रखना सम में से सम घटाने के बाद और विषम जोड़ने के बाद विषम ही बचता है, ये इसमें गलत माना हो किसी आंसर की नहीं, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है 100%, इसमें सी ही आंसर है, ठीक है। अब मैं कंडीशन आपको लॉजिकल बता रहा हूँ ना, दोबारा सुन लीजिए, किसी को डाउट है, हो सकता है आंसर की उल्टा सुलटा इसका आंसर मिलेगा, कई आंसर क्यों में,
मैं बता रहा हूं, कई लोग उसको करा रहे हैं, पर एक बार दोबारा से आपके समक्ष कर लेते। देखो ये तो एक कैलकुलेशन है, देखो ये शब्द सम होगा, सम है हमेशा, सम ही होगा, ये भी सम होगा क्योंकि हमने सम ही माना, ये भी सम होगा, ये सम होगा, तीनों सम जोड़ने पर क्या आएगा, हमेशा सम ही आएगा। फिर ये भी सम होगा क्योंकि ये एस अभाज्य एस विषम माना है, लेकिन किसी भी विषम को दो से गुणा करने पर वो सम ही हो जाता है, ठीक है, तो माइनस सम, और ये हमेशा विषम ही होगा क्योंकि इसको विषम ही मानना है, तो प्लस विषम। तो मेरे भाई सम में से सम गया, विषम ही बचेगा, तो कंडीशन आएगी निश्चित रूप से विषम ही होगा। जैसे मैं मान लो 10 में से 8 घटा लिया प्लस 3 जोड़ लिया, हमेशा विषम ही आएगा, इसलिए आपका आंसर 100% सी होगा। देखो संख्या मानने की जरूरत नहीं है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, संख्या मानने की भी जरूरत नहीं है आपको, 2 4 6 मानने की जरूरत नहीं है, इतना लॉजिक ध्यान रखना आपको। देखो ये क्या है, सम, ये सम, ये सम, तो ये पूरा कितना हो गया सम, ये क्या है विषम और विषम, दो विषमों को जोड़ने पर हमेशा सम बनता है दोस्तों, माइनस, तो इसलिए सम में सम गया 0, 0 भी एक तरह से सम ही माना जाता है, तो इनको जोड़ने पर हमेशा सम ही आएगा, ठीक है। लेकिन सम में से विषम घटाने पर आपका विषम आएगा, विषम विषम जोड़ने पर विषम आता है, ये ध्यान रखना, और सम सम जोड़ने पे सम आता है, और सम सम घटाने पे भी सम आता है, तो ध्यान रखना, सम में से अगर विषम घटा रहा हूं मैं तो लास्ट में हमारा विषम ही बचेगा, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, विषम बचेगा, क्योंकि ये टोटल क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, और ये अकेला विषम हो जाएगा, इसलिए ये एकदम करेक्ट है कि दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो, तो सी आंसर है इसका, ठीक है। अब देखते हैं यूपीएससी ऑफिशियली क्या मिलाता है, आप चेक कर लीजिए, ऑफिशियली शायद आ गई होगी, चेक कर लेना, पता नहीं यूपीएससी ने भी इसने ए माना है, पर मेरे विचार से पता नहीं, हो सकता है मैं गलत, लेकिन मेरे विचार से लॉजिकल सही लग रहा है, हो सकता है आप भी चेक कर लो एक बार, है ना। एक आंसर की ने मैंने देखा था सी माना था इसने, और मैंने भी मतलब मेरा भी निकल के सी आ रहा है, यूपीएससी ने इसमें आंसर की में ए माना है, हो सकता है मैं कोई लॉजिक गलत लगा रहा हूँ, एक बार सभी लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक कंडीशन यह है कि आपको 100% श्योर करना है, हो सकता है कोई कंडीशन छूट गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन यह है कि आपको एक बार दिखाना है कि सही है या नहीं। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर वाले क्वेश्चन में नीचे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, ऊपर वाला कह रहा है कि 100% दिखाना है, नीचे वाला कह रहा है आप 1% ही दिखा दो। तो देखो अभाज्य संख्या पी और अभाज्य संख्या सी के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मान लो अभाज्य संख्या जिसमें कोई भाग नहीं जाता उसके अलावा, तो अभाज्य संख्या मान ली मैंने, मान लो 7, और भाज्य संख्या मान ली मैंने 9, सिंपल सा मान ली, ठीक है, क्योंकि तो मुझे एक कंडीशन में हमेशा दिखाना है, बस इसमें सिर्फ एक कंडीशन शो करके दिखानी है, तो मान लो मैंने 1 7 मान ली, 1 9 मान ली, ठीक है, तो पी की जगह कितना हो जाएगा 7, और सी की जगह कितना हो जाएगा 9 और 7, मतलब एक चीज और ध्यान रखें थोड़ा सा इसमें लॉजिक, कि मुझे ना पी का मान बड़ा मानना है किससे, सी से, पी का मान मुझे बड़ा मानना है किससे, सी से, तो मेरे पास संख्या तो यही है, संख्या मान लो, तो मैं पी का, पी की मान ली मान लो मैंने 11 मान ली, और सी की मान ली मान लो 9, कुछ ही मान लेते हैं, 9 क्या है, 9 अभाज्य है, ये अभाज्य है, तो आप कर लो 11 प्लस 9 और 11 माइनस 9, 11 9 20 और 2, मतलब सम ही आएगा आंसर, इज द करेक्ट। मुझे यहाँ एक कंडीशन करके दिखानी है सही, बस मैंने मान मान लिया 11 9, दिखानी एक कंडीशन करेक्ट, क्योंकि वो कह सकते हैं सम हो सकता है, तो मैंने एक कंडीशन दिखा दी सम हो सकता है, उसने ये नहीं बोला निश्चित रूप से ही सम होगा, ऐसे बहुत सारे मान आएंगे जिसमें निश्चित रूप से सम नहीं होगा, ठीक है ना, अगर मैं इसको दूसरा नाम नंबर चेंज कर दूंगा तो बदल जाएगा मान, लेकिन मुझे एक मान दिखाना है कि सही होगा, तो सही होगा बिल्कुल। दूसरा देख लो 2p, इसको करूंगा 2 × 11 प्लस, कितना हो जाएगा 11 × 22 प्लस 9, कितना हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा टोटल, सही है, 22 9 31, सही बात है, आप ऐसी स्थिति में हमेशा विषम मान के चलना, उससे काम बनेगा। तो दो संख्या ले ली मैंने, 11 तो अभाज्य हो गई और 9 अभाज्य हो गई, 11 9 से काम निकल जाएगा आपका, तो दोनों, अब मुझे इसमें कंडीशन सिर्फ ध्यान रखना, ऊपर वाले में तो हर कंडीशन देखनी चाहिए, इसमें एक कंडीशन देखा, और p × c मैंने दोनों विषम लिए, 11 × 9 99 विषम होगा, सही बात है, तीनों स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी आंसर, ठीक है, तो इसमें डी होगा। देखो 14वें 15वें क्वेश्चन में एक ही अंतर है, 14वां क्वेश्चन ज्यादा टफ पड़ता है, क्योंकि उसमें हर कंडीशन में आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि सही है, इसमें आप एक एक कंडीशन से भी दिखा दोगे तो आपका सही होगा, ऐसे क्वेश्चनों में जैसे 15वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें विषम मान के चलो काम चल जाएगा। अब देखो 16वें टाइप का क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, 16वें नंबर का, 16वें नंबर क्या कह रहा है, किसी 3 अंकों की संख्या ए बी सी को डी से गुणा करने पर गुणनफल 37 डी डी आता है,
यानी कि ये कह रहा है ए बी सी, अगर मैं इसको डी से गुना करूं, किससे गुना करूं, अगर मैं इसको डी से गुना करूं तो क्या आएगा आपका मान, 37 डी और डी, डी मान आएगा ना। एक तो कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, अगर मान लो मैंने डी की जगह, अगर मान लो एक कंडीशन, मान लो मैंने डी की जगह एक रखा दोस्तों, मान के चलो डी की जगह मान लो एक रखा, तो मैंने एक रखा तो यहाँ एक हो जाएगा, इसको मिटा दूंगा और यहाँ एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 11, और 37 11 कैसे आ रहा है, एक से गुणा किया है, इसका मतलब ए बी और सी का मान भी कितना हो जाएगा 37 11। लेकिन ये तो होगा नहीं सही, क्योंकि अंकों की संख्या चाहिए हमें 3 अंकों की, तो एक से तो काम चलेगा नहीं, एक को काट दिया। मान लो मैंने डी की जगह कितना रख दिया दोस्तों, 2, डी की जगह कितना रख दिया मैंने 2, तो कितना हो गया ए बी सी इंटू 2 करेंगे, कितना मान आ रहा है 37 22 22, तो इसको तोड़ के देख लो एक बार, दो रख, अब तोड़ के देख लो एबीसी का कितना मान आएगा, इसको मैं अगर भाग दूंगा इसका तो नॉर्मली इसका भी कितने में आएगा, 4 अंकों में आएगा, सिंह क्या है 3 अंकों की, तो 2 से काम चलेगा नहीं, ये भी कट जाएगा आपका, ऐसे रखते जाना है, अपने आप पहुंचोगे आंसर तक। अगर मान लो मैं डी की जगह मैं 3 रख लेता हूं तो कितना हो जाएगा ए बी सी इंटू 3 बराबर कितना आ रहा है 37 3 3, क्योंकि डी की जगह में 3 3 रखना है, तो 37 3 3 आ रहा है। अब मान लो मैं इसमें, अब मैं 3 का भाग दूंगा तो एबीसी मान आ जाएगा, सही बात है नहीं, इसका मतलब तो मैंने 3 का भाग दिया, 3 का भाग देते कितने आ रहा है ये 12, ये कितना होगा 4, और ये कितना हो जाएगा, 3 का भाग ही नहीं जा रहा तो 3 तो मान ही नहीं होगा, ठीक है 3 का भाग नहीं जा रहा, 3 का मान ही नहीं होगा, समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हो। अब मान लो मैंने डी की जगह 4 रख लिया दोस्तों, ठीक है, तो ए बी सी इंटू डी की जगह 4 रख दिया, मान कितना आ जाएगा 37 4 4, क्योंकि मुझे डी की जगह कितना रखना है 4 4 रखना है। अब देखो ये कब आया, ए बी सी में 4 से गुणा करूंगा तब आ रहा है 37 4 4, ये मान के चल रहा हूँ, तो क्या 4 का भाग जा रहा है इसमें, देख के देखो 9 बचा 14 कितना हो गया 3 बचा कितना, दो ऊपर भाग जा रहा है 936, कितना हो रहा है 936, ध्यान रखना, तो ए बी सी बराबर कितना आ रहा है 936, राइट, डी बराबर 4 रखने पर ए बी सी का मान कितना आ रहा है 936, ये सही आ रहा है। अब आगे चलते हैं, और मान लो डी बराबर में 5 रख दिया तो कितना हो गया 37 5 और 5, 37 5 और 5, लेकिन एक चीज और बोलना है कि ए बी सी और डी चारों अलग अलग होंगे, इसमें ध्यान रखना, अभी तक सही कंडीशन है कि ए का मान हो गया, डी का मान हो गया 4, ए का मान हो गया 9, बी का मान हो गया 3 और सी का हो गया 6, ये सही कंडीशन है, अलग अलग है। अगली कंडीशन और देखते हैं, अगर मान लो 37 55 में 5 का भाग दूंगा तो इसमें नीचे इधर 11 आएगा, देख लो भाग 5 का कितना हो जाएगा आपका, 7 बार 2 25 5 और ये 5, तो देखो 7 5 5 आ रहा है, इसलिए इसको तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि 2 संख्या 5 होगा। इसके बाद डी की जगह मान लो 6 रखूंगा, ये ऐसे आप करते जाइए, लेकिन आपका काम किस में चला गया, 4 में चल गया, क्योंकि डी का अगर मैं डी की जगह मैंने 4 रखा तो 936 × 4 बराबर कितना आ रहा है आपका 37 44, सही बात है, तो यहां पर 4 आ रहा है। इसमें क्यों सही है मेरा, क्योंकि ये चारों संख्याएं अलग अलग, चारों अंक अलग अलग, तो इससे मेरा काम चल रहा है। आगे आप और करोगे, 6 रखोगे 7 रखोगे 8 रखोगे, कोई ना कोई कॉमन आ जाएगा, या 2 शब्द रिपीट हो जाएंगे या कुछ कारण से, तो ये फुलफिल कंडीशन हो रही है। तो ए बी और सी बराबर 936, अब उसने अगला क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो 9 प्लस 3 12 और 6 18, आंसर इज योर 18, कोई टफ नहीं, बस कंडीशन में जाना पड़े। 17 नंबर का ऑलरेडी आपको जो नंबर सिस्टम पढ़ाया था मैंने दोस्तों करवा दिया था, क्योंकि 7 और 13 का रूल मैंने आप सभी को बताया है, 7 और 13 का रूल होता है और 11 का रूल होता है डिवाइड डिविजिबिलिटी का, विभाजकता का रूल मैंने आपको बताया था। देखो 7 का रूल मैंने क्या बताया कि कोई संख्या यदि मान लो 6 अंकों की है तो या तो 6 अंक समान है, या 6 अंक दो दो के जोड़े में है, या 6 अंक एक तीन तीन के जोड़े में, 7 का पूरा पूरा बात, यही रूल 13 में, 13 में 6 समान है या दो दो में, ये तो इसलिए 7 और 13 के आधार पर भाग जाएगा। यह संख्या क्या है, एक्स वाई जेड मान है, तो मान लो मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, कुछ भी मान लो 3 मान लिया, अब या ये इसमें संख्या बनी एक्स वाई जेड, तो किस संख्या बनेगी, 1 2 3 1, ये आपकी संख्या कितनी होगी 3, 6 अंकों की संख्या किससे विभाजित होगी, तो देखो ये 7 और 11 से विभाजित होगी, क्योंकि मैंने 7 और 11 का रूल आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, सॉरी 7 और 13 से, अब रूल है 11 का,
ग्यारह का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंक सम अंक स्थानों पर योग, सम स्थान कौन से होंगे, ये इनका योग और इनका योग, यदि इनका योग के बीच में अंतर या तो जीरो हो या 11 से विभाजित हो, तो देख लो एक और तीन कितना हो गया, चार, और चार दो छह, इधर भी कितना होगा, दो और एक तीन और तीन छह, तो 6 - 6 = 0, तो या तो जीरो हो या 11 से विभाजित हो, तो 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, था इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, इसलिए ये संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से भी 11 से भी 13 से, आपका आंसर होगा डी। ठीक है, 18 नंबर का घन का है, बहुत सिंपल ही होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर 125 घन है, इसका मतलब 5 की घात 3 है, घन का मतलब की होता है, तो एन बराबर कितना हो गया आपका टोटल, एन बराबर 5, एन बराबर दोस्तों कितना हो गया 5, एन बराबर कितना हो गया आपका 5। अब एक चीज और होती है, एन बराबर 5 है आपका, तो ये क्या कह रहा है, 125 सर्व घन के एक घनाकार खंड में व्यवस्थित किए गए हैं, मतलब आपको ऐसे 125 बनाए गए, तो देखो ऐसे बनाए गए होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनाए गए होंगे, तो टोटल कितने हो रहे हैं आपके, 125 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनको मिला करके, तो ये कह रहा है कि 125 से तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 5, घन का मतलब घन निकाल लेंगे उसका, एन बराबर 5 हो, कितने घर अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं, अन्य घन, अब मतलब इसमें ऐसे कह रहा है कितने घन ऐसे हैं अगर आप मिलाओगे जो अन्य दो घनों के द्वारा घिरे होते हैं, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वैसे इस घन वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए ज्यादा डिटेल्स नहीं गए, अगर मान लो ऐसा कोई फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि अन्य घनों से, अन्य घन कितना है, 3 तो होते हैं, एक उसमें दो दो कोनार और घिरे होंगे उसे किसी से, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n - 2 का स्क्वायर क्यूब, एन बराबर कितना है 5 - 2 का क्यूब, कितना होगा 3, 3 का क्यूब बराबर 7। ठीक है, ये अगर आपको सबसे पहले एन का मान निकालना है, अगर आपसे पूछा है, इसमें एक दो फॉर्मूला और है आपको बता दूंगा मैं, घन के चार फॉर्मूले हैं, अगर आपसे पूछा है कि एक घन दो से और घिरा हुआ है तो कितने घन होंगे टोटल, उसकी अन्य दो घनों से घन, हर कितने ऐसे घन होंगे जिसके एक किनारे किसी और से भी घिरे होंगे, तो उनका फॉर्मूला है डायरेक्टली n - 2 का क्यूब, n - 2 का क्यूब, कर दीजिए आंसर आ, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपको मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन वाले सवाल में परम्यूटेशन में से है, ये परम्यूटेशन में से आपको पूछा है कि देखो ये पूरी संख्या है, 8 अंकों कितनी संख्या है, और इस प्रकार की विषम देखिए कह रहा है, संख्या है 11 22 33 34, ये पूरी संख्या है, पुनर्व्यवस्थित करने पर 8 अंकों की संख्या कितनी संख्या बनाई जा सकती है, इस प्रकार की विषम अंक विषम स्थानों पर और सम अंक सम स्थानों पर हो, तो है ना, तो जोड़े कितने बढ़ रहे हैं इसमें टोटल, दे आपके 8 बढ़ेंगे इसमें टोटल, तो इसमें कितना हो रहा है आपका, एन बराबर कितना हो जाएगा, तो सम का कितना हो जाएगा 4, और विषम का कितना, 1 हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा इंटू 4 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 4 सम का फैक्टोरियल होगा, 4 विषम का फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल लगा दिए ऊपर। ठीक है, नीचे नीचे कितने होंगे, अब रिपीट हो रहे हैं, मैंने क्या बोला, रिपीट का अलग भाग दे देंगे उसमें, तो रिपीट का फैक्टर कितना, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, इनको 2 का फैक्टोरियल, इनको 2 का फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन में होता है ना, जो रिपीट होता है उससे डिवाइड कर देते, तो देखो 11 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 1 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार 2 बार, तो मैंने इनका फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और 4 4 का फैक्टोरियल क्यों क्या, क्योंकि 4 सम के 4 विषम के, तो 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो कर लीजिए इसको भाग, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 36 आएगा सर, कर लीजिए इसको, देखो 4 × 3 × 2 × 1 इंटू 4 × 3 × 2, तो देखो 2 से ये 2 गया, 2 से ये 2 गया, ठीक है, और ये 2 2 से ये गया, तो 4 किया 12 भाग किया 26, तो ये मैंने जो आपको कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें से है, मैंने बोला कि जैसे मान लो ABCDEFG है, उसमें A डबल बार रिपीट हो रहा है, इंजीनियरिंग का उदाहरण दिया था कि इंजीनियरिंग में I 2 बार E 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कैसे करते हैं, तो उसमें टोटल क्या है कि टोटल 8 को लिया जाता है, लेकिन यहाँ 4 4 का जोड़ा बनाया जाता है, क्योंकि 4 समय 4 विषम, उसने अलग अलग बोला है कि 4 समय 4 समय, इसलिए ठीक है ना, तो 4 फैक्टोरियल सम का हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल विषम का हो जाएगा, इसको कर लो, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, तो ये मैंने ऑलरेडी टाइम भर के बता दिया, देखो ए बी सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रम से 8 16 12 दिनों में पूरा करते हैं, अकेला ए सोमवार को, अकेला बी मंगलवार को, अकेला सी बुधवार को करता है, ये सीधे जान, सबसे पहले आपको निकालना है कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद बाहर अपने आप निकल जाएगी,
फिर ना ऐसे होता है, ए सोमवार, बी मंगलवार, सी बुधवार, मतलब ऐसे। फिर दोबारा ए आ जाता है बृहस्पतिवार को, फिर दोबारा शुक्रवार को बी आ जाएगा, फिर शनिवार को सी आ जाएगा, फिर दोबारा इसी तरीके से रविवार को ए आ जाएगा, सोमवार को बी आ जाएगा, इस तरीके से चलता है। सबसे पहले निकालना है हमको कि काम कितने दिनों में होगा। तो देखो एक दिन में ए आठ, एक आठ काम कर रहा है, 1/16 काम कर रहा है, 1/12 काम कर रहा है, 3 दिन का काम है, क्योंकि तीनों अलग अलग दिन काम कर रहे हैं। इसलिए टोटल काम निकाल लो, एलसीएम निकाले कितना हो गया, 48 हो गया, एलसीएम 48 हो गया, तो 6 + 3 + 4 मतलब 13/48। 3 दिन में काम, और काम आपका एक है, लेकिन 3 दिन में काम कितना हो रहा है, 13/48 हो रहा है। तो इसको इसके पास वाली संख्या से गुणा करो कि दोनों पास में आ जाए, इसको मान लो 3 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो इतना हो गया। 9 दिन में कितना करेंगे ये, 39/48, सही बात है नहीं, 9 दिन में 39/48। अब 10 तीनों रिपीट, अब 10वें दिन कौन आएगा, ए आएगा, तो अब बचा कितना है इसमें, काम बचा है 11/, कितना बचा है, जो काम तो हमेशा एक होता है ना, 1 - 39/48 करूंगा कितना आ जाएगा, 9/48 बचेगा, 11 बचे, 9 बचे, 9 बचे 48 बचे, ठीक है। काम बचा है अब, 9 दिन पूरे हो चुके हैं दोस्तों, और काम अभी बचा है 9/48, तो 9/48, अब 9/48 में मान लो ए अगले 10वें दिन काम करने आता है, तो ए ने कितना काम कर दिया, 1/8 काम कर दिया, इतना ही तो करता है ये, तो कितना हो गया आपका 48 कहता है कि 9, ये कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा आपका, 3/48, 1/16। अगला काम करने कौन है, अब 1/16 काम बचा है, अगला काम करने आएगा बी, और बी एक दिन में कितना काम कर देगा, 16, 1/16 काम कर देगा, तो अर्थात बी उस काम को पूरे कर देगा, तो 11वें दिन आकर के बी उस काम को पूरा कर देगा, नहीं करेगा, क्योंकि 1/16 काम बचा हुआ है, बी भी एक दिन में 1/16 काम करता है, 1/16 काम को बी एक दिन में 1/16 कर देगा, तो पूरा काम कितने दिन होगा दोस्तों, 11 दिन, इसलिए स्टेटमेंट गलत है दूसरा, पूरा काम कितने दिन होगा, 11 दिन, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट एकदम। अब 11वें दिन कौन सा बार आएगा, तो अब देख लीजिए, अब बार देखना है हमको, देखो पहले दिन मंडे, मंडे से स्टार्ट होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, इतने 7 हो गए ना, उसके बाद मंडे, उसके बाद मंडे के बाद ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे, तो कौन सा बार आएगा, थर्सडे आएगा 10वें, 11वें दिन, 3 3 6 3 9 2 11, 11वें दिन कौन सा आएगा, थर्सडे, पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, योर आंसर इज ए। कुल मिला के दोस्तों इतना टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए, मैंने इस वीडियो में इतना ही, कुछ प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे आप, कुछ आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए, PYQ पे कीजिए, 5 5 डेली पैसेज पढ़ लीजिए, इनको दोबारा रिवीजन कीजिए, एक दो बार और दोबारा प्रैक्टिस कर दीजिए, बिल्कुल मेथड फिट हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा, कि ना लॉजिक लगाना है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, पैटर्न मुझे यही अपनाना। तो यहां तक आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।